गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी, चैप्टर 4 एयर। लास्ट टर्न पर हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में है और उनका परसेंटेज कितना है। तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, एंड 1% में बाकी अदर गैसेज हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि ऑक्सीजन जो है वो हमको प्लांट से मिलती है, ह्यूमन जो है वो ह्यूमन अपनी एक्टिविटी के लिए प्लांट्स को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, जिससे कि प्लांट्स अगर कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन गैस हमको कम मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ज़्यादा रिलीज करेंगे तो गैसेस का क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, और जिससे हम लोगों को क्या हो जाएगी, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम लोगों को कट नहीं करना चाहिए ट्रीज को, जिससे बैलेंस जो है गैसेस का वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। उसके बाद हमको आज यहाँ से स्टार्ट करना था। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। हमको पता है एनिमल और ह्यूमन बींग्स जो है, इनहेल मतलब सांस लेना, तो जब वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और एक्सहेल मतलब कि बाहर निकालना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन इन अ प्रोसेस। प्लांट्स जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, जब वो इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ओके स्टूडेंट, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, कि हमको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन और एनिमल्स इज टू बी इक्वल टू अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच टेक मेक अ परफेक्ट बैलेंस। तो जो अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमन और एनिमल रिलीज कर रहे हैं, उसी अमाउंट में क्या हो रहा है कि प्लांट्स जो है वो रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कर रहे हैं उसको लेते हैं, और उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो जिससे गैसेस का बैलेंस क्या हुआ है, इक्वल हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड इज जस्ट 0.03% ऑफ द एयर। 0.03% एयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बर्निंग ऑफ ऑयल कोयल इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड कॉजेज एयर पॉल्यूशन। बर्निंग ऑफ ऑयल एंड कोयल, कोयले का जलना, ऑयल का जलना, इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एंड कॉजेज एयर पॉल्यूशन, और इससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स द अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर। एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या प्रभावित हो रहा है, अर्थ का क्लाइमेट प्रभावित हो रहा है और वेदर मौसम प्रभावित हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे एनवायरनमेंट में धुआं ही धुआं हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इससे क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट, बारिशों का कम होना, तो ये वेदर को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है एयर पॉल्यूशन, ठीक है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लाइमेटिक चेंजेस। जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है क्लाइमेटिक चेंजेस में, ठीक है। तो हम ये वाला पढ़ चुके हैं यहाँ तक। यहाँ पे कहने का मतलब था कि गैसेस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गैसेस अनबैलेंस हो गई तो हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी मात्रा में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, उतनी मात्रा में प्लांट्स से भी ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमको प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर। एटमोसफेयर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। द एटमोसफेयर कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 कंसेंट्रिक लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन। एटमोसफेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया है कॉम्पोजिशन के बेस पर, ठीक है, कॉम्पोजिशन के बेस पर, टेम्परेचर के बेस पर, एंड अदर प्रॉपर्टीज, और भी प्रॉपर्टीज हैं उनके बेस पर 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। और वो अर्थ की सर्फेस से लेयर जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दीज लेयर आर, जो अर्थ की सर्फेस के नियर है लेयर, वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इन स्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे,
देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, तो इनके बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।